हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स इंडियन फनी वेडिंग मोमेंट वीडियो पार्ट 8। बिहार के मिथुन नाम के इस शख्स ने तो अनुष्का संग ही ब्याह रचा डाला और करो गांव में प्रचार। हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव के पानी आ गया। विराट विपक्षी टीम को धोए ना धोए, ये मिल गया तो इसे पक्का ही धो डालेगा। मारम ना एक के फर्ज में लगवा लहू खे फेके तोर यहां फोड़ के दोनों हाथ में हम थमा दे तोर भाई। मारब कई चप्पल। विदाई के समय जहां माहौल गमगीन था, वहीं सरबजीत शेरगिल को शादी की वीडियो आने के बाद पता चला कि उनके मामा जी तो ठेंगे बाजी कर खिल्ली उड़ाते रंगे हाथ वीडियो में पकड़े गए। गजब बेइज्जती है। बड़ा हरामी हो ये रस्म किस किस के यहाँ होती है जरा कमेंट करके बताइए। जहाँ अच्छा खासे दूल्हे को अगले दिन ही बंदर बना दिया जाता है, जिन लड़कियों को भी मेकअप नहीं आता वो इन्हीं पर हाथ की सफाई करती है। देखने से तो वरमाला कम और रेसलिंग ज्यादा लग रही है। शादी का मंडप कब युद्ध मैदान बन जाए ये किसी को पता नहीं चलता। पापा की परी का सारा जोश पापा के हेलीकॉप्टर ने ठंडा कर डाला। कोई तो दुल्हन को बताया कि गृह प्रवेश करना था ना कि गोल मारकर फाइनल में प्रवेश। देखने से तो ये शादी कम और वॉशिंग मशीन के अंदर नाचते कपड़े ज्यादा लग रहे हैं। पता नहीं लोग शादी में और क्या क्या और नए चोंचले अपनाएंगे। देख रहे हो विनोद, राजश्री खाकर कैसे 36 खनिजों की एनर्जी के साथ नाचा जा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इधर देखिए, जब दूल्हे के सिर के चारों तरफ मुर्गे को घुमाया जा रहा था तो मुर्गे ने ऐसी हरकत कर दी कि देखकर अजी जुट जाएगी। बात प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। दुल्हन अगर चिप्स कुरकुरे की दीवानी हो तो दूल्हे का फूलों की जगह इन्हीं अटरम शटरम से गाड़ी सजाना तो बनता है। आए हम बाराती दुकान लेके, जाएंगे दुल्हन को अपने मकान लेके। हार्दिक पांड्या की सस्ती कॉपी पता नहीं कौन से ड्रम बजा रहे हैं। अगर आपको पता चले तो हमें भी बताना। नोटिस मिलने के बाद एम्प्लॉय कुछ इसी तरह का काम करने का दिखावा करता है। भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला ने साल 2005 में क्रिसिल के 27 करोड़ की शेयर बेचकर मालाबार हिल्स मुंबई में एक फ्लैट खरीदा। वहीं 2015 में जब इस फ्लैट की कीमत बढ़ के 27 से 65 करोड़ रुपए पहुंची, वहीं अगर इन्होंने क्रिसिल के 27 करोड़ की शेयर उस वक्त ना बेचे होते तो उनकी कीमत करीब 600 करोड़ होती। दोस्तों, ये है पावर ऑफ राइट इन्वेस्टिंग। इसलिए आपको इन्वेस्टिंग शुरू कर देना चाहिए, जिसके लिए हम लाए हैं एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अपस्टॉक्स, जो रतन टाटा जी और टाइगर ग्लोबल यूएस द्वारा समर्थित है। यहां से आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होगी और आधार कार्ड व पैन कार्ड की मदद से 5 मिनट में KYC कंप्लीट कर आप ट्रेडिंग करने को तैयार हो जाएंगे। फिर इन्वेस्ट कीजिए अच्छे अच्छे शेयर्स में और प्रॉफिट कमाइए। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी अकाउंट खोलिए और बचत में से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। पगली हर जगह मददगार नहीं बनना चाहिए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। कुछ काम लोगों को खुद ही करने देना चाहिए। शादी किसकी हुई अब आप ही बताइए।
घर की बेटी जब विदा होकर ससुराल जाती है तो सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि ये मासूम भी बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि इनके जैसा अनकंडीशनल लव शायद ही कोई कर सकता है। ऐसे दोस्तों तो दुश्मनों की क्या जरूरत, ये वही दोस्त हैं जिनकी वजह से बेचारे को बीवी से अब जिंदगी भर ताने सुनने को मिलेंगे। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मनीषा त्यागी नाम की महिला ने अपने भारी भरकम डांस से साबित कर दिया कि डांस के लिए बस हौसला चाहिए, हौसला। एक बार इन दीदी का भी दुख सुन लो। गाइस, हमारे घर की शादी में लड़ाई हो गई है, मुझे डर है कि वो हलवाई कहीं खाने में जहर ना मिला दे। आपस में हलवाई लोग लड़ गए हैं, मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया है। देखिए फोटोग्राफर को भी क्या क्या जुगाड़ करने पड़ते हैं। ये वीडियो देखने के बाद स्नैपचैट भी कहेगा मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में शादियों की तरह तरह की रस्में निभाई जाती है, कहीं नाक खिंचाई तो कहीं जूता चुराई, लेकिन यहाँ इस रस्म में समधि जी की गोद में बच्चा थमा दिया गया। वो भी बहुत खुश थे और प्यार से बच्चे संभाले थे जब तक कि उन्होंने बच्चे का चेहरा नहीं देख लिया। मेरे पापा ने दी है तो मैं ही चलाऊंगी। बेचारे बाबा को क्या पता आजकल क्या क्या नौटंकी होती है, उन्हें तो हार्ट अटैक आते आते रह गया। कल्पना कीजिए आप स्टेज पर बैठे लाइफ के सबसे स्पेशल पलों का आनंद ले रहे हो, तभी पीछे से कोई बच्चा इस तरह से आपके बाल खींचकर आपको ख्यालों से बाहर पटक डाले। ननंद ने भोली भाली भाभी के साथ जो मजाक किया उस पर आपके क्या ख्याल है? आज हंस लो, कल रुला कर मानेगी, तब अकल आएगी शायद आपको। आज के बाद सालियां कभी नहीं बोलेंगी कि जीजा नाचो। और तो और बाद में दुल्हन ने देवर संग जो बदला लिया वो देखकर तो जीजा जी भी हैरान हो गया। कोई नहीं बोलेगा स्क्रिप्टेड है। शादी के लिए बातचीत के दौरान भांजी मारने वाले लोगों की खूब चर्चा होती है। ये वो लोग होते हैं जो दो लोगों की शादी में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। वायरल वीडियो में शख्स ऐसे ही लोगों को चेतावनी दे रहा है, आप भी सुनिए।
आकर्षित किया जाता है। कल मुझे देखने वाले आ रहे तो कृपया भांजी मारने की कृपा ना करे वरना इलाज कर दूंगा। आगे समझ में, अपने घर में रहिए सब। आजकल शादी ब्याह में ये सब नौटंकी एक अलग ही लेवल पर चल रही है, जिससे आए दिन कुछ न कुछ हादसे देखने सुनने को मिलते ही रहते हैं। ओ तेरी बहन की लग गई ओए। ऐसा कुछ हमने किया होता तो मेरे पिताश्री ने मुझे स्टेज पर बिना झाड़ू के मार मार कर मोर बना देना था। हमें तो बचपन से डराया जाता था कि कढ़ाई में खाना खाने से शादी में बारिश होती है, जैसे यहाँ हुआ। पूरा पानी गिर थे, मैं शादी में हूँ और मेरा टेबल नीचे घुस के बाहर खावा था। ये पक्का कढ़ी में खाए रही से पूरा चोरों बोरों हो गए हैं। देखिए आपने कढ़ी में खाने का नतीजा। पहली बार हरी से शादी में से पानी नहीं गिर गई है तो मैं इतना टेबल अंदर घुस के भात खाता हूँ। तू मुझे कहा था मत खाने का ही भात, मैं टेस्ट नहीं होने वाला शादी में। क्या आपके यहाँ भी ये मान्यता है या कुछ और, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ दूल्हे ने कुछ ऐसा किया कि देखकर सब हंस पड़े। जरूर आपके चेहरे पर भी स्माइल तो आ ही गई होगी, क्यों सही गाना। जैसे लड़कियां बिना मेकअप के नहीं रह सकती, वैसे लड़के बिना मैच देखे कैसे रह सकते हैं भला। आज आपकी शादी क्यों ना हो, इसलिए कैमरामैन वाले भैया को ये जुगाड़ करना पड़ गया। ऐसा ही कुछ करते घोड़ी पर चढ़े इन दूल्हे राजा को करते देखा गया, जब शादी के फाइनल मैच के दौरान इंडिया टीम का फाइनल मैच पड़ गया। शादी के बाद दोस्तों के सामने लंबी लंबी हांकने वाले अक्सर कमरे में छुप छुप के ऐसे ही झाड़ू हांकते पकड़े जाते हैं। मेहंदी सेरेमनी में यहाँ महिलाओं को बैठाकर शराब परोसी जा रही है और मर्दों को तो छुप छुप कर खुद ही जुगाड़ करना पड़ता है भाई। चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन YouTube आप सभी तक नहीं भेज रहा, इसलिए नए व्यूवर्स सब्सक्राइब कर घंटी के क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन जरूर क्लिक करें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है वो सिर्फ टर्न ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट पार्ट जरूर कमेंट में लिखिएगा।